नमस्कार, जय सीएलसी, मैं श्रवण। दोस्तों, आप सबको ध्यान है 30 और 31 मई दो दिन हम आ रहे हैं मारवाड़ में, और मेरे साथ हमारे मारवाड़ बेल्ट के ही हमारी फैकल्टी के साथ ही खड़े हैं। मेरे पास खड़े हैं भागवत सर, जो आईटी की फिजिक्स फैकल्टी हैं। मेरे पास राठौड़ सर, जो फिजिक्स की नीट की फैकल्टी हैं। मेरे पास खड़े हैं सेंधाराम सर, जो फिजिक्स की फैकल्टी हैं। आप तीनों लोग जालौर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और मेरे साथ खड़े हैं सुखदेव चौधरी सर, वो भी हमारे साथ जालौर आ रहे हैं अपनों से अपनी बात करने के लिए। तो हम लोग 30 तारीख को शाम को हैं बावड़ला में, और 31 तारीख को हमें कोमता में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे उन लोगों को अपील निवेदन करना चाहता हूं जिनको शिक्षा में सब कुछ दिखाई देता है। आप लोकल वहां से हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे भागवत सर, अपने बेल्ट के बारे में बताएं आप। मैं मेरे बेल्टवासियों को ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको यदि आईआईटी या नीट की तैयारी करनी है तो सीएलसी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल सकता। अच्छे स्कूल भी, यदि आपको अच्छे स्कूल की, चाहे सीबीएसई हो, आरबीएससी हो, चाहे एनडीए हो, वो सारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने यहाँ पर। क्योंकि सीएलसी जो है ना, मेहनत करना सिखाती है। रात को 12 बजे तक कैंप लगते हैं। सही बात है। और हमारे साइड के लोगों को बहुत सीधी, कोई मेहनत करना सिखा देना तो उनको मेहनत करने आती है। आशीष गहलोत एम दिल्ली है, वो जोधपुर से है। भूपेंद्र चौधरी एम दिल्ली है, वो जोधपुर से। एक भरत जांगीर था, पर आपके जालौर का ही, बावड़ा पास का ही है, तो वो भी उस समय टॉप किया था उसने अपने हिसाब से। और आप क्या करना, आप अपना एड्रेस बताएं पूरा, आपका घर किस जगह है। मैं कोमता पंचायत में सायला तहसील में, मेरे गांव का नाम है पुनरव, तो कोमता में आ ही रहे हैं। तो एक आपके परिवार के बच्चे 700 बन रहे हैं ना। हाँ, मेरे जो कृष्णपाल है, मेरा मामोसा का बेटा है, उसके बन रहे 710। क्या बात। और एक मेरे 710 बन रहे हैं उसके। और एक मेरे सिस्टर लग दी है, मौसी की बेटी, परिवार में उसके बेटा में सिलेक्शन हो रहा है, उसके बन रहे 680। ऐसे बहुत बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे एक बात बताओ, इसमें महावीर सर वो बच्चे भी आएंगे जो पिछले 4-5 साल सेलेक्ट हुए। एक सुनो भाई, जो व्यक्ति कभी भी जुड़ा हुआ सीएलसी से, कभी पढ़ा है, सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। और अभी तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे पास फोन आया हमारे दिनेशगिरी महाराज का, फतेह वालों का, कि पथवेड़ा महाराज ने कहा कि भाई श्रवण की अपनी टीम के साथ सांचौर आ रहे हैं, जालौर आ रहे हैं, वहीं पथवेड़ा सांचौर के पास, तो वहां चलेंगे अपन, तो हम वहां भी आएंगे। और अब सौभाग्य देखो हमारा कि वो, मैं उनको आज के टाइम में रियल में जो ऋषि है ना, वो महाराज है, वो उनको प्रणाम करूंगा, वहां भी हम जाके आएंगे, हमारा सौभाग्य रहेगा। सवेराम जी, आप अपना पूरा एड्रेस बताते हैं, बताएं आप कहाँ के रहने वाले। मैं सांचौर से हूँ, बावरला सांचौर से 10 किलोमीटर है, मैं उससे 20 किलोमीटर आगे मेरा गांव है वाकनाथी है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और 2 साल से सीएलसी में हूँ। सीएलसी में आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज जो अच्छी लगी वो कि सीएलसी हर बच्चे पे एक जैसा काम करती है। ऐसे नहीं कि टैलेंट बच्चों का कोई अलग बैच बना लिया, कमजोर बच्चों का अलग, ऐसे नहीं। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, एक समान सबके साथ व्यवहार किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने लोगों से। अपने लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे कई बार कई बच्चे यहाँ पे आए, पिछले साल भी कुछ आए थे, इस साल भी आ रहे हो, कोटा वगैरह 1-2 साल घूम के आते हैं, तो इससे अच्छा आप सीधे आ जाओ, घूम के मत आओ। क्या बात है, थैंक यू महावीर सर। और ये हमारे महावीर राठौड़ सर है। सभी को मेरा नमस्कार। बालूतरा के पास में तिलवाड़ा गाँव है, वहां से हूँ। हमारे बॉस पधार रहे हैं, और बॉस ने जो शिक्षा की जो अलग जगह है सीकर नगरी में, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब यहां आए, देखें एक बार, अपने बच्चों को यहां पे डाल के मेहनत करने का मौका दें। और बॉस खुद 12 बजे तक बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और आप सब आए देखें कि सीएलसी में किस तरह की मेहनत की जा रही है। एक सामान्य बच्चे को जो सेलेक्ट करवा दी सीएलसी, ये सबसे बड़ी चीज है। और एक यहाँ पर ऐसा नहीं, बच्चे को जो मेहनत करवा के, चाहे कैसा भी बच्चा हो, एक सामान्य से जो चयनित करवा रही है वो काम सीएलसी कर रही है। तो बॉस पधारे। ये भी करना चाह रहे हैं कि हो सकता है हर आदमी कई बार यहाँ इतनी दूर विजिट करने नहीं आए, इसलिए हम खुद आपके घर आ रहे हैं, हम खुद आपके पास आ रहे हैं 30 को और 31 मई को। एक बार आकर सुनना चाहिए, आप सुनना चाहिए, मैं इसका आप सब पाना चाहिए। सुखदेव चौधरी सर, वैसे हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट से हैं सुखदेव चौधरी, इनकी इच्छा एक बार भी बार बार जाके हुआ। सुखदेव, क्या कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल, जालौर जिले में आ रहे हैं तो बावड़ला और कोमता दो जगह हम प्रोग्राम करेंगे। तो आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बाग हैं, जो भी एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, आगे मतलब जैसे अच्छी स्कूल की अच्छी कोचिंग की तलाश में, उन सबको आना चाहिए निश्चित रूप से। पढ़ाई की बात करेंगे, 1-1.5 घंटा आपके साथ में रहेंगे लगभग, और वहाँ पे एजुकेशन के बारे में बातचीत करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह क्यूरी वगैरह होती है उस पर भी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू सर, मैं फिर सब्सक्राइब कर देता हूँ। सीएलसी आप जानते हैं, नीट, जेई, एनडीए की, तो ये है ही है हमारा स्कूल है केवीएम, जिसका भी साइंस रिलेटेड 3rd रैंक आया है, आर्ट्स को टॉप किया है। इसके अलावा अपना स्कूल है सीबीएसई, तो आप मतलब स्कूल, सीबीएसई, आरबीएससी,
आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर, नीट, जेई, एनडीए, इनके लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट की आपको तलाश है, एक अच्छी कोचिंग की संस्था तलाश है, तो तलाश आपकी यहाँ पूरी होगी। ये विश्वास हम आपको दिलाने के लिए आपके जालौर आ रहे हैं। तो मिलते हैं 30 मई शाम बावड़ा, 30 मई शाम कोमता, और प्रोग्राम लाइव भी रहेगा। आप लाइव जुड़े रहे हमारे साथ सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, हम सब साथी आपके विचार हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।